नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप करने लगेंगे बल्ले बल्ले। जी हां, अजय देवगन बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का किरदार बड़े पर्दे पर निभाने जा रहे हैं। नहीं नहीं दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये फिल्म एयरफोर्स फाइटर पायलट अभिनंदन की बायोपिक नहीं है, ये फिल्म जरा हटके है। और इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। मूवी क्रिटिक तरण आदर्श ने खुद सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर तरण आदर्श ने लिखा, हैशटैग भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भुज हवाई अड्डे के प्रभारी स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक की भूमिका में अजय देवगन। भाई वाह, इस ट्वीट के बाद जग जाहिर हो गया है कि अजय देवगन बहुत ही जल्द स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का किरदार निभाते हुए दर्शकों के सामने होंगे। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विजय कार्णिक बड़ी भूमिका निभाते नजर आए थे और उन्हीं के ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है। वैसे अजय इस वक्त दे दे प्यार दे और तानाजी की शूटिंग में बिजी हैं। इसकी शूटिंग पूरी होने के बाद अजय देवगन भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म की शूटिंग करेंगे। बता दें, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय के ऑपोजिट बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी, इसको लेकर अभी फिल्म मेकर्स ने किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इसको लेकर भी बहुत ही जल्द घोषणा होगी। माना जा रहा है कि अजय देवगन की ये दूसरी बायोपिक फिल्म होगी, क्योंकि इससे पहले वो शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर बनी बायोपिक में भी नजर आ चुके हैं। इसके बाद अजय देवगन जल्द ही फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक में भी दिखाई देंगे। आपको बता दें, जिस दौरान सैयद टीम के कोच थे तब भारतीय फुटबॉल टीम ने 1962 एशियन गेम्स जकार्ता में गोल्ड जीता था। तो दोस्तों अजय देवगन ने कमर कस ली है और आप भी हो जाइए तैयार, अगले साल अजय देवगन दो दो बायोपिक में आपको नजर आने वाले हैं। भाई वाह, क्या बात है।